नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ हैं अपूर्व। देश और दुनिया भर में डेडली वायरस कोरोना की मार है। अब तक न जाने कितने लाख लोगों की मौत हो चुकी है, कितने ज्यादा लाख लोग इस कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और ये एक ऐसा, मैं इसे बीमारी कहूँ महामारी कहूँ, ये एक ऐसी महामारी आ गई है कि ये आप हर किसी की जिंदगी पर अलग अलग तरह से इफेक्ट डाल रही है। और अब जो ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं अपूर्व, अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने ये विश्लेषण किया है, उन्होंने ये बात सामने रखी है कि जो लोग सिंगल हैं, आप में से भी जो लोग सिंगल हैं प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका के एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि जो लोग इस वक्त सिंगल हैं वो आने वाले वक्त में, जब तक कोरोना रहेगा और उसके बाद भी, बहुत वक्त तक सिंगल रहने वाले हैं। और इसके पीछे उन्होंने कई तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बर्थ रेट कम होने वाला है, महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतें आएंगी, और भी तमाम तरह की चीजें हैं जिनको लेकर हर किसी को दिक्कत आएगी और इसका असर सीधे सीधे इंसान के रिलेशनशिप स्टेटस पर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए लगभग 90 स्टडीज की हैं अमेरिका के साइंटिस्ट, 90 स्टडीज के बाद ये जो पूरी है रिपोर्ट सामने आई है कि न सिर्फ बर्थ रेट में कमी आएगी बल्कि एक लंबे वक्त तक युवाओं को सिंगल रहना पड़ेगा। क्यों? उसके पीछे भी वजह है। बर्थ रेट में कमी आएगी और महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, समाज पर, इकोनॉमी पर, हर चीज़ पर असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ जो है सिंगल्स हैं उन्हीं पर ये असर पड़ेगा कोरोना का कि वो थोड़े लंबे वक्त तक सिंगल रहेंगे। बहुत बुरी तरीके से कोरोना ने पूरी ग्लोबली हिट किया है, इकोनॉमी को भी हिट किया है, आप देखिए पूरे समाज को हिट किया है। और जो ये स्टडीज सामने आ रही हैं, और अभी तो ये भी नहीं पता है, अभी तो ये भी नहीं पता है कि वैक्सीन कब तक आएगी, ये सारी चीज़ें कब तक ठीक हो पाएंगी। इसीलिए जो अभी तक स्टडीज़ की गई हैं उसके मुताबिक ये अज्यूम किया गया है कि ये दिक्कतें आ सकती हैं जिसमें जो हमने आपको दिक्कतें बताई हैं ये उसमें शामिल है। एक तो अपूर्व वैसे ही सेक्स रेशियो को लेकर हमेशा से बात चलती रही है ना, और अब ये सामने आ रहा है जिस तरीके से अमेरिका के एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जेंडर इनइक्वालिटी भी सामने आएगी, इसकी भी समस्या से जूझना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी जैसे इसी में एक रिपोर्ट है कि लोग प्लान करके जो बच्चे करते हैं ना उसमें भी दिक्कतें आएंगी और सेक्स रेशियो में भी दिक्कतें आएंगी। वह तो वैसे भी एक बहुत बड़ी समस्या है और इस वजह से लोग बच्चे करने में भी, प्लान करने में भी देरी करेंगे और समय लेंगे, उस वजह से फिर बर्थ रेशियो और कम हो जाएगा, बर्थ रेट भी कम होता जाएगा, उधर सेक्स रेशियो में भी दिक्कतें आएंगी। तो भाई ग्लोबली इसकी कोरोना की वजह से दिक्कतें तो वैसे ही आ रही हैं, इसमें और दिक्कतों में इजाफा कुछ इस तरीके के, और इस तरीके के अगर डराने वाली रिपोर्ट सामने आएंगी तो वो तो एक तरीके से और कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इस खबर को सुनने के बाद भले ही हम कुछ सोचे, कुछ किसी को हंसी आए या हम कुछ भी सोचे, लेकिन ये बात बहुत सच है कि ये बहुत चिंताजनक विषय है। अगर आने वाले वक्त में ऐसा होता है तो ये बहुत चिंताजनक है। देखिए चिंताजनक तो अभी है, आप अभी देखिए कि कितनी बुरी तरीके से इस कोरोना वायरस ने ग्लोबली पूरी दुनिया को हिट किया है। हर एक इकोनॉमी चौपट हो गई है, आप देखिए माइनस में जा चुकी है, हर एक बड़े बड़े देश की जीडीपी तक, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, रशिया शामिल है, चीन को छोड़कर, बस चीन की जीडीपी इस दौरान 3 के आसपास रही थी, बाकी सब देश बड़े बड़े चौपट हो गए हैं। तो जब इतने बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी तक चौपट हो गई तो ये सारी जो स्टडीज आ रही है तो बहुत छोटी सी बात है। तो ये कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं जो पर्सनली सबको अब अटैक करने में लगे हैं। बहरहाल आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया पूर्व मेरे साथ जुड़ने के लिए।